हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी में पार्ट 12 चूहा और मेंढक ये वाली स्टोरी पढ़ाएंगे। वैसे तो ये स्टोरी मैं क्लास में पढ़वा चुकी हूँ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अब मैं आपको इसे दोबारा पढ़वा रही हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है पाठ के बारे में। चूहा और मेंढक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों स्वयं को ताकतवर बताते थे। दोनों की लड़ाई में किसका फायदा हुआ, आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक चूहा खेत में बिल बनाकर रहता था। उसी जगह पर बड़े पत्थर के नीचे मेंढक रहता था। चूहा मेंढक को पसंद नहीं करता था। मेंढक भी चूहे को पसंद नहीं करता था। चूहा कहता, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं जमीन खोद सकता हूँ। मेंढक कहता, मैं बलवान हूँ, मैंने इतना बड़ा पत्थर उठाया हुआ है। इसी बात पर दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते। चूहा सारा दिन चू चू करता, मेंढक रात भर टर टर्राता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक दिन मेंढक चूहे से बोला, ओ चूहे, निकल अपने बिल से बाहर, देखूं तुझ में कितना दम है। चूहे को गुस्सा आ गया, वह अपने बिल से निकलकर मेंढक को मारने दौड़ा। मेंढक भी मैदान में आ गया। मेंढक और चूहा आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तभी आसमान में उड़ती चील ने दोनों को देखा। एक ही झपट्टे में उसने दोनों को अपने पंजों से उठा लिया। अपने बच्चों को उनका मनपसंद खाना खिलाने चील घोंसले की ओर उड़ गई। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक रीडिंग थी। सभी बच्चे इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं इसका बुक वर्क। पहले हम करेंगे शब्द अर्थ। क्या करेंगे, शब्द। देखिए, बिल, बिल किसे कहते हैं? बिल कहते हैं चूहों के रहने की जगह। चूहों के रहने की जगह, इसे हम बिल कहते हैं। बिल किसे कहते हैं? चूहों के रहने की जगह को हम बिल कहते हैं। फिर आता है पसंद। पसंद, पसंद का मीनिंग होता है चाहत। पसंद का चाहत। दम, दम का हो गया ताकत। दम, ताकत। और ताकतवर का होगा हमारा शक्तिशाली। क्या होगा? शक्तिशाली। ओके, फिर आते हैं आपके श्रुतलेख। पत्थर, मेंढक, ताकतवर, पसंद, झगड़ते, टर्टर, गुस्सा, झपट्टा, पंजा, घोंसला। ओके, ये हो गए हमारे श्रुतलेख। फिर आ जाइए मौखिक प्रश्न पर। चूहा कहाँ रहता था? चूहा कहाँ रहता था? चूहा रहता था बिल में। चूहा कहाँ रहता था? बिल में। मेंढक कहाँ रहता था? मेंढक बड़े पत्थर के नीचे। मेंढक कहाँ रहता था? बड़े पत्थर के नीचे। आगे देते हैं, चूहा किसे पसंद नहीं करता था? चूहा मेंढक को। चूहा किसे पसंद नहीं करता था? मेंढक को। और चूहा किसे मारने दौड़ा? मेंढक को। चूहा जो है वो मेंढक को मारने दौड़ा। तो अब कोई आपको मेंढक लिखना आना चाहिए। मेंढक कैसे लिखेंगे? मैं, आई, अंकी बिंदी, डे, के, मेंढक। ओके, पाठ का दूसरा नाम क्या हो सकता है? किसी एक पर सही का निशान लगाइए। आपको इन चारों में से बताना है कि पाठ का दूसरा नाम क्या हो सकता है। ताकतवर चील, झगड़ालू चूहा, बलवान कौन, मनपसंद खाना। तो इसका हम दूसरा नाम लिख सकते हैं कि इसका दूसरा नाम बलवान कौन हो सकता है, क्योंकि चूहा अपने आप को बलवान कौन बताता था और मेंढक अपने आप को। लेकिन उनमें उनका तीसरा फायदा किसने उठाया? उसने तीसरा फायदा उठाया चील ने। तो इनमें सबसे ताकतवर कौन हुई? तो ताकतवर तो इनमें चील हुई, इसलिए आया बलवान कौन। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न के उत्तर, ये प्रश्न के उत्तर कॉपी में करवाऊंगी। वाक्य पूरे कीजिए, अब आपको फिलअप्स करने हैं। फिलअप्स यानी कि खाली स्थान। चूहा खेत में बनाकर रहता था। चूहा खेत में क्या बनाकर रहता था? चूहा खेत में बिल, बैले बिल, बिल बनाकर रहता था। मेंढक भी चूहे को नहीं करता था। मेंढक भी चूहे को क्या नहीं करता था? पसंद। मेंढक भी चूहे को पसंद नहीं करता था। चील की ओर उड़ गई। चील किसकी ओर उड़ गई? चील घोंसले की ओर उड़ गई। चील किसकी ओर उड़ गई? घोंसले की ओर। बै ई ले बिल, पै से अंत पसंद, घे और से ले ए घोंसले। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। भाषा से कौन कौन कैसे बोलता है लिखिए। चूहा कैसे बोलता है? चूहा बोलता है चू 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 चू। चिड़िया ची ची। तोता टे टे। कबूतर कबूतर बोलता है गुटर गू। ओके, फिर आते हैं आपका मेंढक। मेंढक कैसे बोलता है? मेंढक बोलता है टेर टर टर टर। ओके, बिल्ली बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ। कैसे बोलती है बिल्ली? म्याऊ म्याऊ। कौवा कैसे बोलता है? कौवा बोलता है काओ काओ। और गाय कैसे बोलती है? गाय रंभाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको आप क्या क्या खाना पसंद करते हैं लिखिए। इसमें आपको जो जो चीज़ें आपको पसंद होती है आप वो लिखेंगे। फिर आते हैं मिलान कीजिए। इसमें आपको मैचिंग करनी है। नीचे दिए गए पशु पक्षियों को उनके मनपसंद भोजन से मिलाइए। आपको पशु पक्षियों को उनके मनपसंद भोजन से मिलाते हैं। हाथी, हाथी को क्या पसंद होता है? हाथी को पसंद होता है गन्ना। लॉयन क्या खाता है? लॉयन खाता है मांस। तोता, तोता खाता है अमरूद। स्वैन, स्वैन हंस क्या खाता है? हंस खाता है मछली। और गाय, गाय खाती है घास। ओके, एक बार दोबारा देखिए। हाथी गन्ना, शेर मांस, तोता अमरूद, हंस मछली और गाय घास। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको इस तरह से आपकी मैचिंग करनी है। यही पे आपका लेसन 12 का बुक वर्क कंप्लीट होता है। सब बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बुक रीडिंग करेंगे। और जिन बच्चों का बुक वर्क कंप्लीट नहीं है वे बच्चे अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।